नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 1 मार्च से 7 मार्च वाले सप्ताह की, आपके साप्ताहिक राशिफल की, कि आने वाले सप्ताह में आपकी जिंदगी में किस तरह की चीजें होने की संभावना बनती है। इस सप्ताह में मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ा व्रत पर्व या त्योहार नहीं है, तो हम शुरुआत सीधे आपके राशिफल से करेंगे। मेष राशि, देखिए मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आपके द्वारा किए गए परिश्रम का फल प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार में बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो संभावनाएं भी सप्ताह में आपके साथ दिख रही हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन 6 तारीख को विशेष तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट से बचिएगा और पेट में दिक्कत ना हो इसकी सावधानियां बनाए रखेंगे। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा की संभावना है या धर्म संबंधी कोई कार्य करेंगे, इस तरह की उम्मीद आपके लिए दिख रही है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और बहुत उम्मीदों के साथ दिख रही है। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य आपका सप्ताह की शुरुआत से ही लगातार बेहतर होता चला जाएगा और आपके करियर की जो बाधाएं हैं, वो जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह में कोई नए पद प्रतिष्ठा का फायदा हो सकता है, कोई नया काम आप कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। और अगर नौकरी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आपका पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो, व्यर्थ में बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इस सप्ताह में वृषभ राशि वालों को सप्ताह के अंत में अपनी हड्डियों का, अपनी आंखों का बहुत ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े तनाव के साथ हो रही है, पैसे के मैनेजमेंट को लेकर के आप परेशान हैं, पैसे की आमदनी हो नहीं रही है और खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिए। बेवजह कर्जा लेने से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए। हालांकि आपकी स्थितियां 3 तारीख के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और कोई ना कोई रास्ते भी निकल आएंगे, काम भी आपका थोड़ा थोड़ा ट्रैक पकड़ लेगा, लेकिन ये सब होगा किसी की सहायता की वजह से, इसलिए सहायता मांगने में मत हिचकिचाइए। अगर आपको जरूरत है तो आप सहायता ले लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि वालों को मैं बता दूं कि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत उम्मीदों के साथ हो रही है और बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई हैं, जो फंसी हुई हैं, वो इस सप्ताह में पूरी होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में कर्क राशि वालों को एकदम से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए, अदरवाइज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 3 और 4 तारीख को इमोशनली, भावनात्मक रूप से या सेहत में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ध्यान रखिए। बट कुल मिला के ये सप्ताह आपके करियर में, आपके जीवन में नए संकेत लेकर के आ रहा है। अगर सोच समझ कर इस समय करियर के लिए, जीवन के लिए निर्णय लेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। सिंह राशि की बात करें, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है निसंदेह, और सप्ताह की शुरुआत में धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। साथ ही साथ कोई यात्रा भी इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है, जो इस सप्ताह में आपको करना होगा चीजों को मैनेज करने के लिए। इस सप्ताह में अगर आप कोई पैसा बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, इस सप्ताह में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए बुद्धिमानी नहीं होगा। और इस सप्ताह में खान पान का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित या हृदय से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं, और अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो रहा है तो लापरवाही नहीं करेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, धन मान सम्मान उपहार की प्राप्ति दिख रही है और आपका करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तमाम आपके शत्रु और विरोधी सप्ताह में परास्त हो रहे हैं। इस सप्ताह में कोई शुभ सूचना जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, संतान से जुड़ी हुई है, आपको मिलने की उम्मीद दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। इस सप्ताह में अगर आप कोई रुका हुआ काम निपटाना चाहते हैं, रुका हुआ पैसा पाना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आप कोशिश करके देखें, निश्चित रूप से आपके रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे हो जाएंगे।
तुला राशि की अगर बात करें तो आपकी स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर तो हैं, लेकिन अभी लापरवाहियां आपकी कम नहीं हुई हैं। करियर व्यापार के मामले में लापरवाही मत करिए, दूसरों के कंधे पे रख करके काम मत करिए, अपने हिसाब से ही काम करिए तो बेहतर होगा और खुद मेहनत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे की स्थिति सप्ताह में अच्छी है, संतान पक्ष की उन्नति अच्छी दिख रही है, लेकिन इस सप्ताह में दौड़ भाग बहुत है और उससे आप भागिएगा नहीं, मेहनत करिएगा, दौड़ भाग करिएगा तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, धन की प्राप्ति के साथ दिख रही है और आपके रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन अपने मुख्य काम में लापरवाही मत करिए, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में लापरवाही मत करें। तो साइड में आप काम चला रहे हैं वो काम भी बेहतर चल रहा है, लेकिन मेन काम को, मुख्य काम को छोड़ने की गलती मत करिएगा। इस सप्ताह में वाहन चलाने में सावधानी रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन करियर को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। धनुराशि, धनुराशि वालों को मैं बता दूं कि करियर में आपको बड़ी सफलताओं के संकेत इस समय दिख रहे हैं और करियर में स्थान में कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है जो आगे चल करके आपके लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये सुधार आगे धीरे धीरे बेहतर भी होता जाएगा। सिर्फ आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है और जीवन साथी के साथ वाद विवादों से बचना है। संतान पक्ष की उन्नति से और करियर में सफलता से आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा बना रहेगा। मकर राशि, आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होते हुए दिख रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर दिख रहा है और करियर में नई जिम्मेदारियां भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह में आपको उठानी पड़ेंगी। बहुत सारे काम दूसरों के भी करने पड़ेंगे और दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपको सफलता भी मिलेगी, मान्यता भी मिलेगी और आपका नाम यश भी बहुत बढ़ेगा। अगर पारिवारिक विवाद कोई चल रहा है भाई के साथ, बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, तो उसको सुलझाने की कोशिश इस सप्ताह में करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह में आकस्मिक रूप से धन के खर्चे बढ़ सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य और तनाव की स्थितियां दिख रही हैं और ये तनाव ज्यादातर पारिवारिक मामलों का है, फैमिली रिलेशंस का है, उसका ध्यान रखिए। जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें ठीक से पूरा करें और ईश्वर की तरफ जाने का प्रयास करें। जितनी पूजा उपासना इस समय आप करेंगे, जितना सात्विक रहेंगे, उतनी ही आसानी से समय को बिता पाएंगे। इस सप्ताह में शिक्षा संबंधी, करियर संबंधी कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, सोच विचार करके आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह में किसी प्रिय मित्र से मुलाकात के संकेत भी हैं और सप्ताह के अंत में आकस्मिक धन लाभ के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, विदेश से लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया संकेत दे रही है, वो फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का, खास तौर से डाइजेशन का, ब्लड प्रेशर का और आंखों का इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपकी मीन राशि है, या तो आप करियर बदल चुके हैं या बदलने वाले हैं, जो भी निर्णय होगा इस समय सावधानी रख करके लेना अच्छा होगा और किसी बड़े बुजुर्ग की अगर आपको सलाह मिल जाए तो आपके लिए बहुत सुंदर मामला बना रहेगा। सप्ताह के अंत में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, धन प्राप्ति, रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। अब इस सप्ताह में क्या किया जाए कि सप्ताह अच्छा हो जाए? 11 मार्च को महाशिवरात्रि है तो बेहतर होगा कि अभी से शिव जी की पूजा शुरू कर दी जाए। तो इस सप्ताह में नित्य प्रातः भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दिया जाए तो ये सप्ताह हम सबके लिए सुंदर बना रहेगा। तो प्लेनेट पांडे की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।